हाँ सो गुड मॉर्निंग एवरी वन आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यू पी एस सी सी एस सी सो डिस्कस करते हैं आज के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आज के भी काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट हैं बट जैसा मैंने आपको कहा कि इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमको अपने कोई भी जैसे टॉपिक है जैसे अगर आज आज आप पेपर उठा के देखोगे सो वाइट हाउस के सामने काफ़ी वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ है और उसमें सारा पोलिटिकल आस्पेक्ट पर डिस्कशन है बट यहाँ पर आपको क्या समझना है कि हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें क्या इम्पॉर्टेंट तो उसमें हमारा यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन है है ना यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है रिलेटेड विद एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ जो रेसिज्म है उसको ख़त्म करने का जो कन्वेंशन है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है बाकी दूसरी जो चीज़ें हैं सोशल आस्पेक्ट में क्या चीज़ें हैं इससे कैसे वर्ल्ड लेवल पे या विद इन सोसाइटी का इम्पैक्ट पड़ता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मतलब इस टाइप से डिस्कशन बट हम लोग पॉलिटिकल डिबेट नहीं कर सकते वी कैन नॉट गो फॉर पॉलिटिकल डिबेट डिस्कशन मतलब इन जर्नल क्योंकि वो चीज़ें हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो लोग वो चीज़ें आप भी रीड कर सकते हो और आप भी समझ सकते हो बट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो हम लोग उसको जानेंगे डिस्कस करेंगे जैसे मैंने आपको बताया ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था बेस्ट आंसर आपका लक्ष्य का है बट आई रिक्वेस्ट लक्ष्य कि जैसे आपने ये काफ़ी डिज़ाइनिंग जो की है इतना टाइम आपको एग्ज़ाम में मिलेगा नहीं अभी तो चलो अच्छा लग रहा है आपने काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंटेशन किया है एक पेन यूज़ करो ब्लू पेन यूज़ करो ठीक है एक ही पेन यूज़ करना है आपको बहुत सारे कलर के पेन्स यूज़ नहीं करने का मिलेगा वहाँ पे, सो मतलब अलाउड तो है ऐसा कोई मना नहीं है लेकिन टाइम वाली बात है कि आपको खाली मतलब आपको अपने पेन उठाने का भी ज़्यादा समय नहीं रहता पूरा पेपर लिखना पड़ता है सारी चीज़ें तो इसलिए एक पेन से लिखने की हैबिट डालो ठीक है और टाइम बाउंड मैनर में लिखने का कोशिश करो बट अच्छा प्रेजेंटेशन है इसलिए ये अच्छा आंसर आप कह सकते हो ठीक है प्रेजेंटेशन अच्छा हर एक हर एक आस्पेक्ट इसमें कवर्ड है चैलेंज क्या है वे फॉरवर्ड क्या है हर एक आस्पेक्ट कवर है सो so, देख लेते हैं क्वेश्चन जो टॉपिक्स हैं हमारे लिए आज के क्या क्या टॉपिक्स हैं उनको देख लेते हैं सो so, एक टॉपिक जो हमारे सिलेबस के लिए डोनेशन डिप्लोमेसी या अफ्रीका के बारे में है सो so, इंडिया और चाइना का जो अप्रोच है अफ्रीका के अंदर उसको थोड़ा सा ब्रीफ में समझेंगे जानेंगे डोनेशन डिप्लोमेसी क्या होती है वो जानेंगे इंडिया की डोनेशन डिप्लोमेसी और चाइना की डोनेशन डिप्लोमेसी में क्या अंतर है वो हम लोग जानेंगे ये आपसे पूछा जा सकता है जीएस पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशन समुद्र सेतु अगेन फिल्म से स्पेसिफिक बन सकता है या फिर जब इंडिया के रोल के बारे में आए तब भी समुद्र सेतु के बारे में आप मैंशन कर सकते हैं ठीक है उसके बाद फिर डिजास्टर के ऊपर एक एडिटोरियल आपका आया है जिसमें जिसमें एक्सपीरियंस शेयर किया गया लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं तो वो हम लोग जानेंगे ये जीएस पेपर थ्री के लिए डिजास्टर अलग से एक सेक्शन है बार काउंसिल के बारे में तो वहाँ पे एक एडिटोरियल में ही आर्टिकल है बार काउंसिल बट उसमें मतलब एक प्रकार से ओपिनियन दिया हुआ है है ना कि इनको ऐसा करना चाहिए था इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था तो बेसिक हमारे लिए जरूरी है सर्टेन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है बार काउंसिल बेसिकली क्या है बहुत बार आपने सुना है बार काउंसिल क्या है और इसके फंक्शंस क्या हैं सात आठ पॉइंट आपके एग्जैक्ट फंक्शंस क्या होते हैं फिर कुछ केसेस जो कि रिलेटेड है बार काउंसिल के इंडिपेंडेंस और इस सबसे रिलेटेड वो थोड़ा सा देखेंगे सो so, ये आपका कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा बार काउंसिल बाकी ओपिनियन की जब हम बात करते हैं तो वो वेरी करते हैं उसमें कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है फिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर मैंने आपसे एक बहुत अच्छा आर्टिकल डिस्कस किया था अगर आप लोग को याद हो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर आ सकता है बार काउंसिल पॉलिटी का टॉपिक है ठीक है ये जी पेपर थ्री का टॉपिक है रेसिज्म सोसाइटी के अंदर भी पूछा जा सकता है जी पेपर वन के अंदर और इन जनरल आपका इस कन्वेंशन के बारे में तो है ही

आज भी क्लास है, वैसे कल से ही शुरू हो गया था डेढ़ बजे क्लास होती है करंट अफेयर्स के एक कोर्स है जिसमें हर एक आस्पेक्ट इंटरनेशनल जर्नल द हिंदू और दूसरे जो सोर्सेस है पी योजना बी योजना कुरुक्षेत्र फिल्म स्पेसिफिक करंट अफेयर हर एक चीज कवर होती है डेढ़ घंटे की क्लास में क्लास में नोट्स भी आप प्रिपेयर कर लेते हो पीडीएफ और सब चीज़ें भी इसमें अवेलेबल रहती हैं सो so, uh, ये अभी क्लास शुरू होगी हर महीने आपका एक कोर्स आता है अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए कर सकते हो फिफ्थ या सिक्स जून से इंटरनेशनल रिलेशन का कोर्स शुरू होगा जिसका क्लास ग्यारह बजे से होगा ठीक है और अन अकेडमी डॉट कॉम अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है यू पी एस सी एस सी सिलेक्ट करना है ये कोड जरूर से डालना है दैट इज एस पी एल आई वी कोड डालोगे अमाउंट विल रिड्यूस बाय टेन परसेंट और मेरे कोर्सेज तो कर ही सकते हो साथ में जो बैच कोर्सेस है दूसरे जो कोर्सेज हैं उनको भी आप कर सकते हो टॉप एट्टी प्लस एजुकेटर से अप्लाई कर सकते हो आपको पूरा जी एस ऑप्शनल टेस्ट सीरीज सारी चीज़ें आप कर सकते हो अन अकेडमी पे ठीक है कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो ये टेलीग्राम ग्रुप है जिसपे आप अपना मैसेज भी कर सकते हो चलिए शुरू करते हैं ये पहला टॉपिक है पहला डोनेशन डिप्लोमेसी से रिलेटेड है और ये है इंडिया चाइना आ, का जो प्रेजेंस है वो अफ्रीकन रीजन पे पर रोल आपका होता है ठीक है सो so, ये अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सो so, यहाँ पे अगर आप देखोगे अफ्रीका में अफ्रीका भी कोविड वन से डिवास्टेटेड है काफी ज्यादा अफेक्ट हो रहा है और बहुत तेजी से वहां पर अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें तो वहाँ भी कई सारी चीज़ों की शॉर्टेज भी इस समय मास्क है वेंटिलेटर और इन सब की उसके बाद टू लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ की बात की जाए चाहे इंडिया और चाइना है उन्होंने अपने आउटरीच को इंक्रीज़ किया है मेडिकल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की है चाइना जो है अफ्रीका का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है उसने तुरंत अपना इंटेंट जो इंटेंट है इंटेंट है वो दिखाना शुरू किया जो इंटेंट है अपनी इच्छा है वो दिखाना शुरू की है और उसके तहत उसने काफ़ी मदद करना भी चाइना ने शुरू किया तो जो मेन फोकस है देखो एक टर्म यूज है दो, डोनेशन डिप्लोमेसी डोनेशन देखो डिप्लोमेसी शब्द का मतलब क्या होता है इस चीज़ को देखो जब वेन वेन यू टॉक अबाउट डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि किन आपका एक्ट या एक्टिविटीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं या जो हम ऑप्ट करते हैं टू डेवलप रिलेशनशिप विद अदर कंट्री है ना फॉरेन पॉलिसी क्या होता है फॉरेन पॉलिसी बेसिकली गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं फॉरेन पॉलिसी क्या है गाइडिंग प्रिंसिपल है जो एक देश यूज़ करता है दूसरे देश के साथ या दूसरे किसी भी रीजन के लिए हम कह सकते हैं अपने रिलेशन को डेवलप करने की जैसे लुक ईस्ट पॉलिसी या एक्ट ईस्ट पॉलिसी कह सकते हो लु, लुक वेस्ट पॉलिसी आपका हो गया या फिर नेबरवुड फर्स्ट ये क्या है दीज आर द फॉरेन पॉलिसी पंचशील दीज आर द फॉरेन पॉलिसी मतलब गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं देश के साथ दूसरे देश या किसी रीजन में एक अच्छा रिलेशन डेवलप करने के लिए बट जब हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं इट मीन्स एक्ट act या एक्टिविटीज़ कोई एक्ट act या एक्टिविटीज़ जो आप करते हो दूसरे देशों के साथ आपका रिलेशन डेवलप करने के लिए ठीक है जो आपका एक्ट act, एक्शन जो भी है वो तो यहाँ पे डोनेशन जब आप डोनेशन डोनेशन का मतलब क्या है कि मान लो जरूरत है ज़रूरतमंद है और उनकी आप मदद कर रहे हो डोनेट कर रहे हो चीज़ों को ठीक है सो so, ये क्या है इसको हम कहेंगे यहाँ पे आपका एक्ट और एक्टिविटी क्या हो गई डोनेशन और स्टेप uh, क्या है डिप्लोमेसी तो इस दोनों शब्दों को कंबाइन करोगे वी विल कॉल इट एज अ डोनेशन डिप्लोमेसी ठीक है ये आपको ध्यान रखना अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है सो so, यहाँ पे अगर चाइना की बात करें तो चाइना इज ऑप्टिंग फॉर डोनेशन डिप्लोमेसी चाइना जो है डोनेशन डिप्लोमेसी को ऑप्ट कर रहा है कई सारे फैक्टर्स हैं उसके जो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स हैं पहला वो फोकस शिफ्ट करना चाहता है कि जो वायरस का ओरिजन जैसे वुहान से ओरिजिनेट हुआ है चाइनीज वायरस कहा जा रहा है तो वो फोकस शिफ्ट करना चाहता है पहला ये है दूसरा ये है कि अपने अपने जो गुडविल है उस गुडविल को भी डेवलप uh, करना चाहता है गुडविल्स को भी इंक्रीज करना चाहता है अगर आप देखें ओवरसीज uh, में अपने गुडविल को भी इंक्रीज करना चाहता है और अपनी इमेज को भी इंप्रूव करना चाहता है तो ये एक प्रकार का चाइना का ऑब्जेक्टिव है वी न्यू टॉक अबाउट डोनेशन डिप्लोमेसी दूसरा यह है कि जो चाइना है वो बहुत ज़्यादा रिलाई करता है और ऑन द सपोर्ट एंड कोऑपरेशन फॉर फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज बहुत सारे इश्यूज पर बहुत से इशूज़ पर मल्टीलेटरल फ्लोरा पे जैसे अगर देखो होता क्या है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो उस पर वोटिंग होती है तो अगर आपकी मैक्सिमम देश सपोर्ट कर रहे हैं तो आपका जो भी चाहते हो वह उसी उसी उसमें डिसीजन आपका होता है तो इसी प्रकार से अफ़्रीकन जो देश है बहुत सारे जो अफ्रीकन देश हैं उनके सपोर्ट का इस्तेमाल करके चाइना ने भी अपने इंटरेस्ट को इस्टेब्लिश किया है बहुत सारे मल्टी लेटरल फोरम में जैसे एक एग्ज़ाम्पल आप ले लो एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं और वो एग्ज़ाम्पल है आपका जो है आप कह सकते हैं जो डब्लू एच ओ के डब्ल्यू एच ओ के इस समय जो डी जी है जिसका नाम है जिनका नाम है ट्रेडोस गब्रियासिस टेड्रोस गब्रियासिस जिस देश से आते हैं वो वो है इथोपिया इथोपिया जो कि क्या है एक अफ्रीकन देश है ठीक है इथोपिया अफ्रीकन देश है इथोपिया एक ऐसा देश है अगर आप ध्यान दो जहाँ पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट बहुत अधिक है चाइनीज इन्वेस्टमेंट बहुत अधिक है और ये टेड्रोस गैब्रियासिस ही फॉरेन मिनिस्टर थे और फिर चाइना का जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने में इनका बड़ा रोल था और शायद इसी का रिपे भी किया गया और जो इलेक्शन हुआ डब्ल्यू के डीजी के लिए तो टेड्रोस गैब्रियासिस का, का काफी अधिक सपोर्ट को काफी अधिक सपोर्ट मिला चाइना का और उसके सपोर्ट से ही वो इसके डी बन पाए तो इस प्रकार का कोऑपरेशन अफ्रीका के साथ है चाइना का मतलब म्यूचुअल कोऑपरेशन जैसे एफ की बात करें जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन

फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है फार्मेसी क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी जो ड्रग्स है प्रोड्यूस होती है चाहे वो पैरासिटामोल हो गया हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन हो गई जिसकी ज़रूरत भी काफ़ी होती है सो so, वो हम लोग दे सकते हैं अफ्रीकन देशों के दूसरी जो ज़रूरत है बहुत से जो प्रोजेक्ट हैं वो हम इम्प्लीमेंट वहाँ पर कर रहे हैं लोगों के साथ पीपल टू तो पीपल कॉन्टैक्ट में भी हम फोकस कर रहे हैं बहुत से मिशन भी हम आ, मतलब आ, जो जैसे कई सारे मिशन है जो हमारा अप्रोच है इंडियन ओशन रीजन में अगर आप देखो वो है सागर अप्रोच जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल सागर अप्रोच जिसे कहा जाता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल जिसमें हम चाहते हैं कि इंडियन ओशन रीजन में हर एक देश डेवलप हो और जो रिसोर्सेस है इस ग्लोबल कॉमन का इस्तेमाल किया जाए जिससे उनका भी विकास हो और हमारा भी फ़ायदा हो तो इस प्रकार का जो है हमारा अप्रोच भी रहा है सो so बहुत सारे जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट है 40 परसेंट ऑफ इंडिया टोटल एक्सपोर्ट टू अफ्रीकन मार्केट तो ये थोड़ा पॉइंट याद रखना कभी भी इंडिया अफ्रीका रिलेशन पे कोई प्रश्न आता है सो so यहाँ पे इन बातों को आप मैंशन कर सकते हो कि जैसे फॉर एक्जाम्पल फार्मेसी के बारे में बता सकते हो और पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हम एक्सपोर्ट करते हैं अफ्रीका में तो यहाँ पे अलग अलग लेवल्स पे हमने हमें जो है हम हम इंगेज हो सकते हैं अफ्रीका के साथ और अफ्रीका का इस समय जो क्राइसिस का सिचुएशन है वहाँ पे हम उसकी मदद कर सकते हैं और इंडिया और अफ्रीका का रिलेशन बेटर डायरेक्शन में जा सकता है ये एक ध्यान रखना हमने बहुत ज़्यादा एम्फोसिस भी किया है ये आ, मतलब अगर आप देखें ये इविडेंट भी है कि हमने अट्ठारह मतलब हमने अट्ठारह न्यू एम्बेसीज अलग अलग देशों में ओपन की है इससे ये दिखता है कि अफ्रीका भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो डिप्लोमेटिक रिलेशन डेवलप करने के लिए हमने नई नई जो एम्बेसीज हैं उसको भी हमने ओपन की है ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है अगेन इम्पोर्टेंट अच्छा आप लोग अटेंडेंस देना मत भूलना अपना नाम जरूर से बताओ कहाँ से ये भी बताना है और आप लाइक बटन भी ज़रूर से प्रेस करें और शेयर भी ज़रूर से करें चलिए दीज एफर्ट्स आर बी सप्लीमेंटेड बायप्रूवड रिकॉर्ड ऑफ इंडियन प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन साथ में पहले ये होता था कि कोई प्रोजेक्ट अगर होता है तो उस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने में बहुत समय लगता था अब ऐसा नहीं है प्रोजेक्ट भी अब तेजी से इंप्लीमेंट होने लग गए हैं ये कुछ पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विइन की बात करें या पैरासीिटामॉल जैसी मेडिसिन की बात करें तो वहाँ पे हमने लगभग 25 अफ्रीकन कंट्रीज़ को दिया है डॉक्टर्स पैरामेडिक्स इनका आप देखेंगे तो इनका भी इस इनकी भी हमने मतलब इनको भी सेंड किया है उस रीजन को हेल्प करने के लिए उसके बाद अगर आप देखेंगे जो अफ्रीकन इंडियन ओशन रीजन आइलैंड है जैसे मॉरिशस सेचेलीस कोमरस मेडागास्कर मिशन सागर के तहत मतलब मिशन सागर एक ऐसा मिशन है जो भारत ने लॉन्च किया है जिसके तहत अलग अलग जैसा मेडिसिन और दूसरी जो रिक्वायरमेंट्स है वो मीट की जा रही हैं तो आप मैंशन कर सकते हो कि इंडिया इतना ज़्यादा कमिटेड है मिशन सागर का एग्जाम्पल बता सकते हो कि जिसके तहत अलग अलग जैसे कुमरस हो गया से हो गए अलग अलग जो देश हैं मैडागास्कर हो गया उनको हम मदद कर रहे हैं अंडर मिशन सागर जिसके तहत मेडिसिन और दूसरी जो जरूरत की सामान है उन तक पहुंचा रहे हैं तो ये ये क्राइसिस सिचुएशन में आप कह सकते हो दूसरा क्या है एक इनिशिएटिव आप बता सकते हो ई आई टी ई सी कोविड वन नाइन जिसके तहत क्या है कि एक वेबिनार की तरह वेबिनार हुआ ठीक है वेबिनार हुआ वेबिनार में ये हुआ कि ट्रेनिंग देना अलग अलग जो उनके स्टाफ है उनको ट्रेनिंग देना कैसे इस कोविड वन के क्राइसिस को आप मीट कर सकते हो बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आप कैसे लेकर आ सकते हो ये सब चीज़ें हमने उनको सिखाया और जिससे कि वो बेटर तरीके से कोविड वन को ट्रेन कर कोविड वन को आप कह सकते हो बेटर तरीके से टैकल कर सकें ये आपको ध्यान में रखना है तो ये चीज़ें अगेन इंपॉर्टेंट हो जाती हैं सो तो अफ्रीका और साउथ एशियन जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन नेशन है उनके बीच में ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आपका ये देखने को मिला और इसी को ध्यान में रखते हुए ये इनिशिएटिव था जो कि क्या है एक प्रकार का वेबिनार वेबिनार जैसे ऐसे सेमिनार होता है ना तो सेमिनार में सब फिजिकली प्रेजेंट होते हैं अब अब फिजिकली तो हो नहीं सकता तो डिजिटली ये एक आप कह सकते हो डिजिटल सेमिनार जिसे हम वेबिनार कहते हैं आई थिंक आई सब आप सबको सब, सब पता होगा तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है दूसरा जो इंपॉर्टेंट uh, हो जाता है कि देर इज अ कीन इंटरेस्ट टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज इन इंडिया बिकॉज द टू शेयर सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट चैलेंजेस तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हमारे यहाँ पे हैं वही बेस्ट प्रैक्टिसेज उनके यहाँ भी हो सकती हैं कोविड नाइन की क्राइसिस को टैकल uh, करने के लिए uh, और यही एक तरीके से एक ऐसी चीज है जो अफ्रीका और इंडिया को आपस में जोड़ सकता है ठीक है तो ये आपको ध्यान में रखना सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस की जब हम बात करते हैं इंडियन बिजनेस बिजनेसमैन कंपनीज इन नाइजीरिया केन्या उन्होंने काफी जो इंडियन कंपनीज काम कर रही हैं नाइजीरिया में केन्या जैसी जगहों पे तो उन्होंने काफी पैसा भी डोनेट आपका किया है चाइना की बात करें थ्री एस्पेक्ट्स आर क्रिटिकल चाइना के लिए मनी है पैसा पोलिटिकल इन्फ्लुएंस है एन इलाइट लेवल वेल्थ क्रिएशन स्ट्रॉन्ग स्टेट टू स्टेट रिलेशन एज अपोज टू द पीपल टू पीपल टाइज एंड हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड रिसोर्स एक्सट्रैक्शन तो चाइना का साफ साफ क्लियर है पैसा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और वेल्थ क्रिएशन स्ट्रॉन्ग स्टेट टू स्टेट रिलेशन बिल्ड करे और ना कि पीपल टू पीपल भारत इसका जस्ट अपोजिट है पीपल टू पीपल रिलेशन ज़्यादा एम्फोसाइज इंडिया कर रहा है लोगों के बीच में एक अच्छा रिलेशन और ट्रस्ट बिल्डिंग रहे और फिर है तुरंत जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप किया जाए जैसे अलग अलग क्योंकि बहुत रिसोर्स रिच है अफ्रीका और इस वजह से वहाँ के रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए अपने लिए बेनिफिट के लिए तो उसके उसको भी ध्यान में रखते हुए आपका कदम उठाया जा रहा प्रयास आपका मतलब चीन के द्वारा किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन हो जाए इंडिया का अप्रोच अगर आप बात करें तो बिल्डिंग लो लोकल कैपेसिटी एंड इक्वल पार्टनरशिप विद द अफ्रीकन एंड नॉट मेरली विद द अफ्रीकन एलाइट कर्सन तो इंडिया की बात करें तो सिर्फ इंडिया ने कभी जो अफ्रीकन इलाइट्स हैं मतलब अच्छी पोजिशन है बिजनेस है सिर्फ उन्हीं से रिश्ते हम अच्छा डेवलप नहीं कर रहे हम जो लोग हैं लोगों तक पहुँच रहे हैं पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात हम कर रहे हैं और लोकल कैपेसिटीज़ को डेवलप कर रहे हैं तो हमारा अप्रोच डिफरेंट है चाइना का अप्रोच डिफरेंट है तो दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में आपका आप रखना है नेक्स्ट देखते हैं अ न्यू आर्किटेक्चर इन क्वैक क्वैक प्रोन एरियाज सो इसमें पूरा उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर किया है गोपाल कृष्ण गांधी जो हैं उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है बट हमारे लिए कुछ पॉइंट्स uh, आ जाते हैं जैसे अभी आपने देखा होगा तीन चार दिन पहले आई थिंक दिल्ली में अर्थक्वेक आया था जब दिल्ली के अंदर अर्थक्वेक आया था तो दिल्ली भी आप कह सकते हो अर्थ क्वेक प्रोन एरियाज में होता है, है मतलब अब ये है कि जब ये छोटे छोटे अर्थक्वेक आते हैं ना तो ये थोड़ा बेनिफिट होता है इसलिए बेनिफिट होता है कि जब आ, ये छोटे अर्थक्वेक आते रहते हैं सो जो एनर्जी है वो रिलीज होती है अदरवाइज क्या होगा कि अगर ये छोटे अर्थक्वेक नहीं आएंगे तो एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है जो कि बहुत ज़्यादा डिजास्टर कैरी कर सकता है आप खुद आपको पता है कि जो अर्थक्वेक है वो लोगों को नहीं मारता है बिल्डिंग्स मारती हैं मतलब अर्थक्वेक डज नॉट किल पीपल ये जो बिल्डिंग है वो आपका उससे लोग मरते हैं मतलब जो घर है अर्थक्वेक आया और उससे टूट गया और उस फिर लोग मरते अगर अगर आप देखो तो अगर प्रॉपर आर्किटेक्चर या प्रॉपर जो चीज़ें हैं उसका ध्यान में रखते हुए घर बनते हैं तो फिर पॉसिबिलिटी जो लॉस ऑफ लाइफ की है वो बहुत कम हो जाती है बट उसको कहाँ डेली में तो आप देखोगे तो बहुत से एरियाज़ हैं जहाँ पे एक घर पे खड़े होकर दूसरे घर में अंदर क्या चल रहा दिख जाता है तो वो सब चीज़ें हैं बहुत छोटे छोटे एरियाज़ हैं सो वहाँ पे ऐसा कोई अर्थक्वेक आर्किटेक्चर का कोई ऐसा फोकस किया नहीं गया है तो आप सभी को ही पता है तो यहां पे हमारे लिए एक चैलेंज आ जाता है क्या हम डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या कर रहे हैं मतलब हमें अपने आप को प्रिपेयर करके रखना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अदरवाइज क्या होगा कि काफी सारे अगर कभी भी डिजास्टर होगा और हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो फिर वहां पर उसको मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क आपका हो जाता है ये सोचने वाली आपकी बात है तो इंडिया के पास सोफिस्टिकेटेड चीजें हैं मतलब अगर आप अर्थक्वेक की बात करें तो अर्थक्वेक में भी कई सारे सेंसर्स हैं ये सारी चीजें सॉइल के बिनित लगे हुए हैं बहुत सारी जगहों पर साइक्लोन से रिलेटेड अगर आप देखें तो वार्निंग सिस्टम्स हैं जैसे हमें पता चल रहा था अम्फान के बारे में दूसरे साइक्लोन्स के बारे में या निसर्ग अभी एक साइक्लोन आने वाला है आई विल क्रिएट अ सेपरेट सेशन ऑन दिस निसर्ग साइक्लोन है उससे रिलेटेड जानकारी हमको मिल रही है आ, मतलब वो अब अरेबियन सी में आया है सो तो वो साइक्लोन के बारे में हमें जानकारी मिल गई तो ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी फॉरकास्टिंग होना जैसे आपने कल का आंसर आपने लिखा था और मैंने आपको बताया था कि टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है डिजास्टर मैनेजमेंट में तो आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा तो आपको क्लियर होगा किस प्रकार से अलग अलग जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके डिजास्टर मिटिगेशन में मदद मिल सकती है ये आपको ध्यान रखना अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है तो अलग अलग रीजन देखोगे अलग अलग रीजंस है तो अलग अलग रीजंस, अलग अलग जगह अलग अलग रीजंस है जैसे मान लो जो कोस्टल इलाका है जो मोर देन सेवन सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर का है यहां पे साइक्लोन्स हिट यहाँ साइक्लोन हिट होगा कुछ एरियाज जो अगर आप देखोगे तो फ्लड प्रोन है कहीं पे सूखे की स्थिति है ठीक है कहीं पे पूरा अर्थक्वेक की सिचुएशन है तो इंडिया एक ऐसा है कि जो हाईली डिजास्टर प्रोन कंट्री है सो डिजास्टर प्रोन कंट्री में हमें प्रॉपर डिजास्टर मैनेजमेंट पर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सो so, इसके लिए आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जिसे हम एनडीएमए भी कहते हैं रखना चाहिए अगर कोई डिजास्टर आता है तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हुए हैं आर आवर सिटीज टाउन्स एंड विलेजेस ऑन एंड अराउंड द हिमालय आर सेफ अगेंस्ट सच शॉक अगर कभी भी अर्थ कोई कहता है क्या हमारा जो गांव है सिटीज है जो हिमालय के अलावा बनी हुई हैं क्या वो पूरे तरीके से सेफ से हैं दूसरा क्या है हाई राइज कंस्ट्रक्शन इन जोन्स ऑफ हाई वनरेबिलिटी लाइक डेली अब जहाँ पे बहुत वनरेबल है बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो रिस्क प्रोन है अर्थक्वेक आ सकता है तो वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी की गई हैं क्या उनको ध्यान में रखा रखा जा रहा है कि वो सर्टेन प्रिकॉशंस लें या फिर सर्टेन आर्किटेक्चर जो है उसको फॉलो किया जाए जो कि अर्थवे रेजिस्टेंट हो या जैसे हिमालयन रीजन में जो घर बने होते हैं वहाँ पे पहले ट्रेडिशनल विजडम का इस्तेमाल किया जाता था, था जिससे कि अगेन मतलब इस प्रकार के घर हों जो आ, जो हम कह सकते हैं कि अर्थक्वेक से अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो या अर्थक्वेक का ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े बट हमने क्या किया है हमने हर जगह जो आर्किटेक्चर स्टाइल अपनाई है अक्रॉस इंडिया वो यूनिफॉर्मिटी की तरफ जा रही है अलग पहले अगर आप देखोगे पहले के टाइम पे वो लोकेशन स्पेसिफिक थी ठीक है जहाँ पे अगर केरला में जाओगे अलग तरीके के घर होते हैं होते थे अब हिमालयन रीजन में जाओगे तो अलग तरीके के घर होते हैं राजस्थान में जाएंगे तो अलग तरीके के घर होते थे तो ये सब चीज़ें क्या थी यहाँ पे लोकेशन स्पेसिफिक आर्किटेक्चर था जिसपे वहाँ के कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए चीज़ें की जाती थी और ट्रेडिशनल विजडम का इस्तेमाल किया जाता था लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है इसका जो रीज़न सबसे बड़ा है यही है कि हम लोग एक यूनिफॉर्म आर्किटेक्चर स्टाइल का इस्तेमाल करते हुए हर जगह पे उसी तरीके का स्टाइल अपनाते हुए चीज़ें डेवलप कर रहे हैं जो कि ना ही जो कि डिजास्टर आप कह सकते हो वनरेबल है डिजास्टर से तुरंत वो अफेक्ट हो सकती है ना कि वो रेजिस्टेंट है आपको ध्यान में रखना दूसरा यह है कि डैम्स हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को हमें देखना जरूरी है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं डैम्स हैं क्या अर्थ को एक बड़ा आ जाता है तो क्या क्या प्रिकॉशंस हैं क्या ध्यान में रखना है उनका पूरा जो सेफ्टी ऑडिट है वो हम कर पा रहे हैं कि नहीं सेफ्टी ऑडिट देख ले रहे सारी चीजें क्योंकि जब डिजास्टर आ जाएगा तो फिर सिर्फ डिस्कशन बचेगा तो डिजास्टर आने के बाद डिस्कशन करने से बेटर है कि डिजास्टर से पहले सेफ्टी ऑडिट ऑडिट जैसी चीजें की जा सकें और जहां पे पॉसिबिलिटी है वहां पे हम इंप्रूव कर सकते हैं ठीक है तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपकी लिखी हुई हैं नेक्स्ट है बार काउंसिल के ऊपर तो इसमें बहुत से अपने ओपिनियन दिए हुए हैं हम लोग डिस्कस करेंगे बार काउंसिल क्या होता है उसके क्या फंक्शंस होते हैं और कुछ यहाँ पे कुछ आर्गूमेंट दिए हुए हैं वो देखते हैं बार काउंसिल एक आप कह सकते हो स्ट्रेटरी बॉडी है और आपका इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है तो अलग अलग ऐसे सब एसोसिएशन एसोसिएशन वर्सेज रेगुलेटरी बॉडीज के बीच का चलता रहता है इसमें डिपेंड इसलिए क्योंकि ह्यूमन्स जो इन सारे एसोसिएशन या रेगुलेटरी बॉडीज़ में जो काम करते हैं वो ह्यूमसी हैं वो ऐसा चाहे कोई भी किसी पोजीशन में है वो भी एक इंसान ही है और उनका भी एक विचारधारा इंक्लिनेशन होता है वो अपने हिसाब से आर्गुमेंट को लेके काउंटर आर्गुमेंट जो है वो करते रहते हैं और जो अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल अपने आइडेंटिटी को बचाने के लिए या फिर अपने ओपिनियन को बचाने के लिए लगातार इस्तेमाल किया जाता है तो हर जगह पे बेसिक जो रीज़न है कन्फ्लिक्ट का व्यू पॉइंट से रिलेटेड या दूसरा जो भी आप कह सकते हैं वो यही है लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है कि बार काउंसिल होता क्या है बार so, काउंसिल जो है स्टैब्लिश किया गया था पार्लियामेंट्री एक्ट एक्ट अंडर द एडवोकेट्स एक्ट 1961 इंपॉर्टेंट हो जाता है एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत और फॉलोइंग फंक्शंस अंडर सेक्शन सेवन कवर द काउंसिल रेगुलेटरी एंड रिप्रेजेंटेटिव मैंडेट मतलब मेजर जो फंक्शन आप देखोगे तो स्टैंडर्ड्स ले डाउन करना और प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट्स फॉर द एडवोकेट क्या एटिकेट्स फॉलो करना है एडवोकेट्स को प्रोफेशनल जो उनके कंडक्ट्स है प्रोसीजर जो फॉलो किए जाएंगे बाय इट्स डिसिप्लिनरी uh, कमिटीज़ जो डिसिप्लिनरी कमिटीज़ हैं उनके द्वारा क्या प्रोसीजर्स फॉलो किया जाएगा uh, जो राइट्स प्रिविलेज और इंटरेस्ट है एडवोकेट्स के लॉ uh, रिफॉर्म्स को प्रमोट और सपोर्ट करना उसके बाद टू डील विद डिस्पोज ऑफ एनी मैटर विच में भी रिफर्ड टू इट बाय द स्टेट बार काउंसिल कोई भी मैटर जो स्टेट बार काउंसिल के द्वारा रिफर किया जाता है लीगल एजुकेशन को प्रमोट करना सर्टन स्टैंडर्ड्स uh, को ले डाउन करना ऑफ लीगल एजुकेशन ठीक है उसके बाद रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज हुज डिग्री इन लॉस शेल भी क्वालिफिकेशन फॉर ऑफ एनरो एज एन एडवोकेट मतलब किस यूनिवर्सिटी के आ, आप कह सकते हो कि आपने वहाँ से आ, मतलब पढ़ाई की लॉ वाली तो आप एडवोकेट के रूप में हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है ठीक है ये अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको आइडिया होना चाहिए तो कहा जा रहा है कि जो आर्बिट्रेरली एंक्रोजिंग अपॉन द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इंटरनल फंक्शनिंग बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज इट इज एट क्रॉस ठीक है

तो उन ओपिनियंस की अगर आप बात करो तो वहाँ पे जो बी है जो आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया है और अलग अलग जो एसोसिएशन हैं उनके बीच में रहता है कि आप हमारे इसमें क्यों इंटरफेयर कर रहे हो आपके जो लॉ के अकॉर्डिंग जो फंक्शंस है आप वो फंक्शन करो हमारे उसमें इंटरफेयर मत करो अगर ऐसा करोगे तो जो जुडिशरी है उसके इंडिपेंडेंस को आप एक प्रकार से चैलेंज कर रहे हो या अपने रोल को आप नहीं निभा रहे हो तो जो बार एसोसिएशन हैं दे हैव प्लेड अ लार्जर रोल इन प्रोटेक्टिंग द इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ ऑफ़ जुडिशरी तो अलग अलग जो बार एसोसिएशन हैं उन्होंने बहुत एक बड़ा और इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है अब जुडिशियरी के इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए तो एक हो गया बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि स्टेटरी बॉडी एसोसिएशन अलग अलग हो जाती है कोर्ट्स की अलग अलग हो गई या अलग अलग एसोसिएशन आपके होती है तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है नेक्स्ट देखते हैं वॉन्ट इंटरफेयर इन बॉर्डर इशू सेज ऑस्ट्रेलिया एंड वॉय तो एक अभी इस पर डिस्कशन होगा आई का टॉपिक है तो अभी बाइलेक्ट्रल आई थिंक इसी थर्सडे को थर्सडे को ही है और आपका इंडियन प्राइम मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइ ऑस्ट्रेलिया के जो हैं उनके बीच में बायोटर वर्चुअल समिट आपकी होनी है बातचीत होगी तो उस पर फिर लगातार आर्टिकल आएंगे क्या क्या हुआ तो उस पर हम और डिटेल डिस्कस करेंगे लेकिन एलएसी में जो चीज़ें हो रही हैं जो हमने पहले बहुत बार डिस्कस किया है वहाँ तो पर ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया अनलाइक यू एस प्रेसिडेंट कि हम इस पर इंटरफेयर नहीं करेंगे ये एक बायलेट्रल इशू देखो अगर कोई ज़बरदस्ती जाके इंटरफेयर करेगा तो वो ना ही किसी किसी भी देश को पसंद नहीं मतलब ना ही इंडिया को पसंद आएगा ना ही चाइना को पसंद आएगा तो इसलिए क्या है कि जब आपसे हेल्प मांगी जाएगी देखो आप कुछ बोलो कुछ हमारी हेल्प करो तब बात अलग होती है तो इसलिए कोई भी डिप्लोमेट या कोई भी देश के जो भी हेड होते हैं वो कभी भी ऐसा आगे से इंटरफेयर नहीं करेंगे कि हम जो है आपके लिए हम हम आपके लिए मीडिएट करेंगे Uh, कुछ एक्सेप्शन जरूर होते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है और ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट उनका एक वर्चुअल बायलेटर सबमिट होगी उसमें अलग अलग बात होगी और यहाँ पे एक जो एग्रीमेंट आपको ध्यान रखना है दैट इज़ म्यूचुअल लॉजिस्टिक सप्लाई एग्रीमेंट जो कि साइन होगा तो म्यूचुअल लॉजिस्टिक सप्लाई एग्रीमेंट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है तो ये ऐसा ही सिमिलर एग्रीमेंट लेमोया नाम से हमने साइन किया इसी तरीके का एग्रीमेंट हमने रशिया से साइन किया अब इसमें देखो होता क्या है कि इस एग्रीमेंट के तहत जो आपका ये बेस है अलग अलग जो मिलिट्री बेस अगर अगर अलग अलग होंगे तो वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं नॉन मिलिट्री पर्पज के लिए जैसे रिफ्यूलिंग और रिप्लेनिशमेंट जैसी चीज़ों के लिए आपका इस्तेमाल किए जा सकते हैं दूसरी चीज है कि ऑस्ट्रेलिया को भी और चाइना की भी बात की जाए सो तो वहाँ भी उनके बीच भी टेंशन है तो अगर ऐसा नहीं है कि जैसे एक डायलॉग चलता है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है इस टाइप का जो मूवी में डायलॉग चलता है ऐसा नहीं है भले ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच का टेंशन है बट फिर भी ऑस्ट्रेलिया रेजिस्ट करेगा कि वो किसी भी प्रकार से ऐसे इंटरफेयर ना करे बाइोलेटरल इश्यूज़ में ना वो इंडिया कहेगा ना चाइना आपका कहेगा तो वो अगर इंडिया डिमांड करता तब अलग बात है सो तो इस पूरे रीजन में अगर आप देखोगे इस रीजन में यह आपका ऑस्ट्रेलिया है और इस पूरे इलाके में जो चाइना है चाइना का इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो रहा है ऑस्ट्रेलिया को भी इस बात का डर है सो so, इस चाइना के इन्फ्लुएंस को रिड्यूस करने के लिए चाइना के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को काउंटर करना पड़ेगा और इसके लिए इंडिया एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है तो ऑस्ट्रेलिया भी इंडिया के इंपॉर्टेंस को समझता है और इस वजह से हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि जो अभी वर्चुअल बायोलिट्रल समिट हो इस लेवल पर कई बातें हो और फिर जो भी बातें होंगी वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट देखते हैं आई एन जलाश्व ठीक है सेट आउट फ्रॉम कोलंबो ठीक है तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है ऑपरेशन समुद्र सेतु समुद्र सेतु ऑपरेशन है मीनिंग सी ब्रिज ये पार्ट है नेशनल एफर्ट का टू री रीपेट्रिएट इंडियन सिटीजन फ्रॉम ओवरसीज जो भारत के लोग कोविड नाइन के इस क्राइसिस में अलग अलग जगह फंसे हुए हैं उनको लेकर आना तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक आपका uh, जो शिप है वो सेंड की जा रही है आई थिंक श्रीलंका में ठीक है सो so, अलग अलग जो शिप्स इसमें हैं जैसे आईएनएस uh, जो शिप है uh, जलाश्व है और मगर ये दो दो, दो जो है वो इन्वॉल्व है इस मिशन के अंदर समुद्र सेतु के अंदर तो आपको ये ध्यान में रखना है अलग अलग जगहों पे ये भेजे भी गए हैं हेल्प करने के लिए नेक्स्ट जो है क्लैशेस आउटसाइड व्हाइट हाउस मोर यूएस सिटी सिटीज़ अंडर कर्फ्यू और सेक्रेटिव फार लेफ्ट मूवमेंट विथ नो ऑफिशियल लीडर इस टाइप की चीज़ें हैं ठीक है सो यहाँ पर हमको जो ध्यान में रखना है हमारे लिए पोलिटिकल डिबेट अलग चीज़ हो जाती है उसको हम मैं एक सेपरेट सेशन आपके लिए क्रिएट करूँगा वहाँ पर वो पोलिटिकल एंगल भी हम लोग डिस्कस करेंगे बट यहाँ पर क्योंकि हम लोग अपनी स्टडी से ही

आर बॉन्ड फ्री इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स एंड दैट एवरी वन इज एन टू ऑल द राइट्स एंड फ्रीडम्स सेट आउट देयर इन विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ एनी काइंड इन पर्टिकुलर एज टू रेस कलर एंड नेशनल ओरिजन देखो सिंपल सी बात है जो आ, जो यू एस ए में हुआ है उसमें मतलब एक जो पर्सन है आ, आप ही कह सकते हैं एक पर्सन है और उनको बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट किया गया था पुलिस ऑफिसर के द्वारा अब देखो हम लोग यहां पे कलर वाइज डिस्टिंक्शन नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम ये कलर वाइज बोलने लग गए कि जो पर्सन जिसके साथ हुआ था उसका कलर ये था और जिसने किया था वो कलर ये था तो ये हम एक प्रकार से रेसिज्म को ही प्रमोट कर रहे हैं ये डिस्टिंक्शन नहीं करना है हमको ये ध्यान रखना है कि वो भी ह्यूमन था वो भी ह्यूमन था वो उस ह्यूमन के राइट्स सर्टेन उस राइट का रेस्पेक्ट जो उसको करना चाहिए था वो नहीं कर रहा अगर आप इस प्रकार से किसी भी किसी पर्सन के मतलब किसी उसके लुक की वजह से उसके कलर की वजह से आप अगर जाके हम कह सकते हैं कि उसको डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देते हो तो ये एक प्रकार का रेसिज्म कहला सक कहलाया जाएगा और ये हमेशा से गलत होगा सोसाइटी में भी इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और लॉ भी इसको हमेशा अलाउ नहीं करता है हमारे देश में भी ये चीज़ अलाउड नहीं है और एज़ अ सोसाइटी हमें इस चीज़ को रोकने का कोशिश करना चाहिए और ये इंडिविजुअल की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि ऐसी चीज़ों को ऐसा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए किसी के लुक या किसी कलर को देखते हुए ये सब चीज़ें हैं जैसे एक चैनल है आ, है ना उस, उसमें यह है कि जैसे कोई जो क्रीम होती है गोरा करने वाली क्रीम वो उसको एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाते तो ये एक अच्छा कदम है क्योंकि ये जो वाइट और दूसरे कलर का ऐसा जो एक मतलब हर एक ह्यूमन एक हर एक ह्यूमन यूनिक है अपने लेवल पे ठीक है सो so, अगर एनिमल्स की बात करो तो एनिमल्स कभी भी ऐसे नहीं करेंगे कि देख मेरे है ना अलग अलग कलर के डॉग्स होंगे तो कहना शुरू कर देंगे कि देखो तुम जो है इस कलर के हो मैं इस कलर का हूं तो जब ह्यू एनिमल्स में ऐसी चीजें नहीं है तो ह्यूमन्स जो अपने आप को इतना इंटेलेक्चुअल कहते हैं तो वो किस बेसिस पर मतलब अपने आप को कलर वाइज डिस्ट्रिक्शन करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि एक सोच में दिक्कत है जो प्रॉब्लम है वो सोच की है वो थॉट प्रोसेस की है जिसको सही करना इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस सही एक ऐज की बात तो नहीं ही होता है कोई अब जैसे मान लो कोई है अगर इस टाइप का तो एक ऐज की बात तो वो सही नहीं होना उसके लिए तो फिर लॉ ही है लेकिन एजुकेशन जो लेवल है लोअर लेवल से हम सिखा सकते हैं चीज़ों को रेस्पेक्ट करना ह्यूमन डिग्निटी को रेस्पेक्ट करना किसी पर्सन को ह्यूमन के रूप में ट्रीट करना कि वो ठीक है वो मानव ही है वो ह्यूमन ही है जिसको हमको रेस्पेक्ट करना है ना कि उसकी आइडेंटिटी को लेकर हम अपने ओपिनियन को डेवलप करें या हम अपने प्रिजुडिस को रखें सो इस चीज को कहा गया कि हर एक ह्यूमन है वो फ्री है मतलब बॉन्ड फ्री है सर्टन उसकी उसके पास भी इक्वल डिग्निटी है और हम उसको ऐसा नहीं कह सकते कि देखो तुम्हारे फ्रीडम का जो लेवल है वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा कलर क्या है तुम्हारा जो है किस देश के हो इस टाइप का नहीं होना चाहिए ये यूनाइटेड नेशन ने भी रियलाइज किया था और सर्टेन जो ह्यूमन राइट्स थे उस पर भी हाईलाइट किया गया था सो ह्यूमन बींग्स आर इक्वल बिफोर द लॉ सारी ह्यूमन बींग जो इक्वल है बिफोर द लॉ एंटाइटल टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ वो मतलब जो लॉ है वो उसको प्रोटेक्ट करे किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ ठीक है दूसरा क्या है एनी डॉक्ट्रेंस ऑफ सुप्रियरिटी बेस्ड ऑन रेशियल डिफ्रेंसीशन इज साइंटिफिकली फॉल साइंटिफिकली आप कैसे कर सकते हो साइंटिफिकली अगर आप देखोगे तो आप खुद देखोगे वैसे हम लोग बहुत रैशनल होते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा साइंटिफिक होते हैं हर चीज़ में ठीक है लेकिन जब ये छोटा सा लॉजिक मन में आता है जो कि डिपेंड करता है स्किन कलर का तो स्किन कलर में अगर आप देखोगे तो मेलानिन का कंटेंट है मेलानिन का कंटेंट के बेसिस पे किसी के कम है किसी के ज्यादा है वो डिपेंड करता है वो किस जगह पे बॉन्ड हुआ है जैसे इक्वेटर के अलॉन्ग में मेलानिन कंटेंट ज्यादा रहेगा तो कलर डार्क अपने आप हो जाता है तो ये क्या है नेचुरल चीज है तो हम बहुत रैशनल है साइंटिफिक है लेकिन हम इतना नहीं समझ पा रहे हैं कि जो स्किन कलर है वो स्किन कलर में जो वेरिएशन है वो डिपेंड करता है सर्टेन पिगमेंट्स पर तो ये अगर हम समझ लें तो फिर उसका जो 50 चीज़ें माइंड में सोच के प्रिजुडिस चल रही है वो नहीं होना चाहिए सो तो ये क्वेश्चन भी उठाता है कि किस प्रकार के हम एजुकेशन लेकर चल रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे साइंटिफिकली फॉल्स है मॉरली भी देखोगे तो हम उसको कंडेम कर सकते हैं सोशल भी अनजस्ट है तो देखो शब्दों का इस्तेमाल अच्छा करना है जब भी ऐसे टॉपिक्स पर आंसर लिखते हैं ना तो वहाँ पर बहुत एक्सट्रीम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है एंड देर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर द रेशल डिस्क्रिमिनेशन इन द थ्योरी और इन प्रैक्टिस किसी भी तरीके से आप रेशल डिस्क्रिमिनेशन को नहीं कर सकते तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ह्यूमन बींगस ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस कलर इथनिक और रीजन इज एन ऑब्स्टिकल टू द फ्रेंडली एंड द पीसफुल बहुत अच्छा पॉइंट है रिलेशन अमंग द नेशन तो यहाँ पे सब समाज की बात नहीं है सिर्फ सोसाइटी के अंदर डिस्टर्बेंस होगा अगर इस प्रकार का थॉट प्रोसेस या सोच डेवलप होती है समाज के अंदर किसी भी देश के तो दूसरे देश में जब मान लो अफ्रीका के देश से हमें अच्छा रिलेशन डेवलप करना और हमारे सोसाइटी में जो लोग हैं मान लो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं अगर हम इस टाइप का सोच रखते हैं तो वो क्या होगा हम दोनों देशों के अफ्रीका के देशों में और इंडिया के देशों में रिलेशन को अफेक्ट आपका करेगा इसी प्रकार से दूसरे जो आपके देश हैं वहाँ भी अगर ऐसा रेशियल ओवरटोन है तो वो फ्रेंडली रिलेशन को भी अफेक्ट करता है ठीक है सो ये पीस सिक्योरिटी अमंग पीपल एंड द हार्मनी ऑफ द पर्सन लाइक साइड बाय साइड इवन विद इन वन एंड द सेम स्टेट कन्विंस दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ रेशियल बैरियर्स इज रिपेंडेंट टू द आइडियल ऑफ एनी ह्यूमन सोसाइटी तो अगर किसी भी सोसाइटी के अंदर ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट भी करती है तो वो उस सोसाइटी के ऊपर uh, ही क्वेश्चन उठा देता है कि मतलब किस टाइप का हम लोग सोच रहे हैं इसको एलिमिनेट करने के लिए इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था ये ये याद रखना सी हमेशा से याद रखना है ये एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट इंस्ट्रूमेंट है कन्वेंशन कमिट्स द मेंबर टू द एलिमिनेशन ऑफ रेशल डिस्क्रिमिनेशन रेशल डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना है प्रमोशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग अमंग ऑल रेशन रेसेस कन्वेंशन ऑल्सो रिक्वायर इट्स पार्टी टू आउट लॉ हेट स्पीच क्रिमिनलाइज मेंबरशिप इन द रेसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो हेट स्पीच को आउट uh, लॉ करना ये ये जो कन्वेंशन है इसमें हेट स्पीच ख़त्म करना और जो uh, uh, कोई भी मेंबर है रेसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का वो मेबर है कोई

डि uh, डिस्क्रिमिनेशन तो एक कमिटी भी है जो इसका पूरा देखती है ठीक है तो ये आपको ध्यान में रखना तो यहाँ पे इस पूरे इशू में देखो इस पूरे इशू में अगर आप लाइन टू लाइन पढ़ोगे पॉलिटिकल डिबेट में जाएंगे तो वो हमारे काम का नहीं है उसे मैं एक सेपरेट सेशन आपके लिए बना दूंगा बट यहाँ पे हमारे लिए ये काम का है ठीक है एक एक चीज़ जो है हमारे लिए काम की हो जाती है नेक्स्ट देखते हैं इबोला इबोला के बारे में मैंने आपको बताया अभी कहा कि कांगो में दोबारा से इबोला फैल सकता है तो इबोला क्या है वायरल डिजीज़ है अलग अलग जगहों पे ये स्प्रेड हुआ था नेम रिवर कांगो व डिजीज वाज फर्स्ट 1976 में है ये डायरेक्ट कांटेक्ट विद ब्लड सिक्रेशन इन्फेक्टेड पर्सन कॉन्टैक्ट विथ कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट सच एज नीडल्स कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड एनिमल्स ये मतलब कोई भी पर्सन है फ्लूड uh, एक्सचेंज या फिर कोई पर्सन इन्फेक्टेड अगर उसके क्लोज आते हो तो ये बीमारी आपको फैल सकती है ये सिंपल ट्रीटमेंट और सिम्टम्स आपको नहीं करना यह बेसिक पॉइंट्स आपको याद रखना है क्वेश्चन देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ रेशियल बैरियर इज रिपंजनेंट टू द आइडियाज ऑफ एनी ह्यूमन सोसाइटी देखो एक चीज़ हमेशा से याद रखना है इंपॉर्टेंट हो जाता है और समझना भी है कि जब हम ह्यूमन की बात करते हैं ह्यूमन human की ह्यूमैनिटी मानव की मानवता जिसे आप कह सकते हो वो तब तक एग्जिस्ट करती है जब तक आपके पास सफिशियंट रिसोर्स है जिस दिन ये रिसोर्सेस ख़त्म हो जाएंगे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो ह्यूमन human की ह्यूमैनिटी भी नहीं रहेगी द ह्यूमन विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक एन एनिमल जो ह्यूमंस हैं वो एनिमल के रूप में ही बिहेव करना शुरू करेंगे जब तक चीज़ें अच्छी हैं सबके पास रिसोर्सेस हैं सब लोग जो है आ, मतलब अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पा रहे हैं तो दे विल बी सिविलाइज्ड वो अपने आप को सिविलाइज लॉ अबाइड करेंगे सब कुछ रहेगा लेकिन जिस दिन रिसोर्स डिप्लेशन होगा रिसोर्स अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो चाहे देश हो चाहे इंडिविजुअल हो वहाँ पे चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो चाहे इंडिविजुअल लेवल पे हो जो ये लॉज अबाइडिंग चीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी बेसिकली जो है ह्यूमन्स विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ एनिमल्स अंडर रिसोर्स जो आपका कंस्टेंट uh, है ठीक है रिसोर्स कंस्टेंट अगर आपका है जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल है छोटा सा एग्जाम्पल लो फूड हैबिट में चेंजेस फूड हैबिट में चेंजेस कैसे जैसे आपने वाइल्ड मैन वर्सेस वाइल्ड देखा है वहाँ रिसोर्सेस नहीं है खाने पीने का कुछ नहीं है सो so हर एक चीज़ जो एनिमल खाते हैं वो आदमी भी खाना शुरू कर देता है ठीक है इसी तरीके से जब वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं दूसरे को रिस्पेक्ट करना बात करना ये सब चीज़ें तब तक रहती है जब तक सारे रिसोर्सेस हैं इसी वजह से जब भी इंडियन सिविलाइजेशन की बात करें तो इंडियन सिविलाइजेशन के तहत हम लोग इसी पर फोकस करते हैं कि माइंड की बात की जाए तो माइंड स्टेबल रहे आपके अंदर पेशेंस डेवलप हो माइंड स्टेबल रहे क्योंकि जब एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस आती हैं तो ये चीज़ें काम आती हैं ना कि मनी काम आता है सो मनी ओरिएंटेड जो ह्यूमन ग्रोथ है वो बेसिकली वेस्टर्न कंसेप्ट है बट एज ए इंडिविजुअल का ओवरऑल ग्रोथ है चाहे वो स्परिचुअल हो दूसरे हो वो इंडियन कंसेप्ट है तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना है तो अगर ये क्वेश्चन देखो तो कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखना टेन मार्क्स का क्वेश्चन है आपको अपने आंसर सेंड करना डेली डोज विद विदर्स डॉट पांडे ठीक है और अन एकेडमी में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ये ये प्रोफाइल है ठीक है ये आप देख सकते हैं सो आज के लिए इतना है रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लाइक like जरूर करें शेयर जरूर करें और लेट्स क्रैक यू पी एस सी सी एस सी को जरूर से सब्सक्राइब करें थैंक यू एवरी वन ए लेट्स क्रैक इट